फ्रेंड्स, पेट कम करने का आज मैं आपको एक ऐसा योगासन बताने वाली हूँ जिसको अगर आप 7-8 दिन लगातार अच्छे से फॉलो करते हैं ना, तो फिर आपका कितना ही ज़्यादा पेट बाहर निकला हुआ है, पूरी तरीके से आपका पेट बिल्कुल अंदर हो जाएगा। तो बहुत सारे अलग अलग योगासन नहीं बताऊंगी, मात्र एक ही योगासन है। इसको आप पूरा अच्छे से जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको 2 से लेकर 3 स्टेप बताने वाली हूँ। तो सारे स्टेप ही अच्छे से देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, तभी आपको इस योगासन के फायदे मिलने वाले हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस योगासन को कौन कौन नहीं कर सकता है। अगर अभी अभी आपका कोई भी पेट संबंधित ऑपरेशन हुआ है, या फिर आपके पेट में गांठ है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कमर दर्द रहता है, तो आप इस योगासन को नहीं करेंगे। कि सभी लोग इस योगासन को कर सकते हैं। बेहतर होगा कि इस योगासन को आप खाली पेट करें, जब तक आपने कुछ नहीं खाया है। और अगर आप शाम को कर रहे हैं, तो खाना के बीच में और इस योगासन के बीच में कम से कम 4 घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप सारी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं इस योगासन को। अगर आपको ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आए, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की वीडियो लगातार आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए देखते है योगासन। इसके लिए हम क्या करेंगे, आराम से सबसे पहले लेट जाएंगे मैट पर। इस तरीके से आपको सबसे पहले लेट जाना है, पैर को सीधा कर लीजिए। अब आपको जो पहला स्टेप है उसमें आपको करना क्या है, हमें इस हिस्से को थोड़ा सा एक्टिवेट करना होगा ताकि अच्छे से आप योगासन कर पाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इस तरीके से थोड़ा सा करिए, 10 से लेकर 20 सेकेंड इस तरीके से। इससे क्या होगा कि ये हिस्सा आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी थाइस पर थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, तो आप अच्छे से अपना योगासन है उसको कर पाएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से हल्का हल्का कर लीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे हमारी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है बेली फैट को कम करने के लिए, ठीक है। ये हो गया, 10-20 सेकेंड करना है बस। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। पहले दोनों पैरों को उठाएंगे हम यहाँ पर, थोड़ा सा अंदर की तरफ अपने पेट को अंदर की तरफ पुश करते हुए यहाँ पर आकर हमें क्या करना है, सिर्फ अपने आप को होल्ड करके छोड़ देना है। इससे आपका पेट बहुत अच्छे से जल्दी से अंदर जाता है और आपकी जो पेट के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। आपको पेट में पाचन संबंधी समस्या रहती है, गैस बहुत बनती है, तो आपको इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है। तो यहाँ पर हम होल्ड करेंगे, सबसे पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको इस तरीके से होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, तो अपने हाथों से अच्छे से आप पकड़ लीजिए यहाँ पर, फिर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये हो गए हमारे 2 स्टेप जो कि योगासन करने से पहले आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको बहुत अच्छे जो मैं आपको योगासन बताने वाली हूँ उसका रिजल्ट मिलने वाला है। अब है हमारा मेन स्टेप जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हम सीधा इस तरीके से लेटेंगे। अब धीरे धीरे अपने पैर को अंदर की तरफ लाएंगे, यहाँ पर अपने दोनों हाथों से अपने नी को पकड़िए और सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी को उठाना है। कैसे, अपने पेट को अंदर की तरफ अच्छे से पुश करने की कोशिश करिए। ये देखिए आपका पेट कितना अंदर की तरफ प्रेशर कर रहा है यहाँ पर, और थोड़ा सा आपको 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड जितना आप इजीली रुक सकते हैं यहाँ पर रुकेंगे। वापस कैसे किया था हमने, देखिए दूसरे पैर को उठाएंगे, अपने हाथों से अपने यहाँ पर नी के पास में पकड़ेंगे, अपर बॉडी को उठाइए, सांस को छोड़िए। ये मुझे पता है अगर पेट बहुत ज़्यादा होगा तो आप अपने यहाँ पर टच नहीं कर पाएंगे, तो उसकी बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। इतना अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। थोड़ा सा रुकेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। तो ये है हमारा योगासन। अब इसको अच्छे से आपको कैसे करना है मैं आपको पूरा प्रैक्टिस करके बता देती हूँ 5 बार, ठीक है। देखिए सीधा लेटे, पैर को उठाएंगे, वन टू
थ्री फोर, देखिए पेट कैसे अंदर की तरफ आपका जा रहा है, फाइव, सांस को छोड़ा, सांस को खींचा। इस तरीके से आपको इस योगासन को करना है और आप इसको करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपका जो पेट है तुरंत जैसे आपने किया है तुरंत ही आपको अपना पेट रिलैक्स महसूस होने लगेगा। हो सकता है कि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप इसको अभी करके देख लीजिए, आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट अभी मिलने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिए खाली पेट ही करना है, खाना खाने के बाद इस योगासन को हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो एक बार मैं आपको पूरा तीनों स्टेप एक साथ करके बता देती हूँ, शॉर्ट शॉर्ट में बताऊँगी। देखिए सबसे पहले लेटे इस तरीके से, ये आपको करना है 10 से लेकर 20 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, हमें क्या करना है, पैरों को उठाना है अंदर की तरफ थोड़ा सा लाते हुए, पेट को अंदर की तरफ पुश करते हुए थोड़ा सा होल्ड करना है, काउंट करना है कम से कम 5 से लेकर 10 बार इस तरीके से। उसके बाद हम वापस जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हमें क्या करना है, पैर को अंदर की तरफ लाना है, नी को पकड़ना है, सांस को छोड़ते हुए इस तरीके से करना है। थोड़ी देर अपने आप को होल्ड करना है 2-4 सेकेंड के लिए, सांस को खींचते हुए वापस आएंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। ये है आपका सिर्फ एक योगासन जिसको मैंने 3 स्टेप में बताया है। और फ्रेंड्स ये तीनों स्टेप ही करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको इस योगासन के बहुत अच्छे फायदे मिलने वाले हैं। इस तरीके से आपको इस योगासन के कितने सेट करने हैं, कम से कम आपको 3 से लेकर 4 सेट लगाने हैं। इसके साथ साथ आपको डाइट पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सिर्फ अकेले अगर आप एक्सरसाइज या फिर योगा कर रहे हैं तो फिर आपका पेट कम होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए डाइट का भी ज़रूर ध्यान रखें। डाइट अच्छी लीजिए, डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपने खाने का जो पोर्शन आप खाते हैं उसको थोड़ा सा कम करिए, यानी कि पोर्शन कंट्रोल करिए, सब्जी सलाद ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी आपको नहीं पीना है, कम से कम 30 से लेकर 40 मिनट बाद ही पीना है। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी फ्रेंड्स आप खाना खाते हैं तो खाना को हमेशा धीरे धीरे आराम आराम से चबा चबा कर खाना है। जब आप अपने खाने को धीरे धीरे आराम आराम से खाते हैं तो यकीन मानिए आप पहले से बहुत कम खाएंगे, आपका पोर्शन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो खाना है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, आपको पेट संबंधित समस्या नहीं होती है, आपका पेट नहीं निकलता है। तो इन सारी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जब आप डाइट अच्छी लेंगे फिर आप योगासन को करेंगे तो 7 से लेकर 8 दिन नहीं, हो सकता है आपको और भी जल्दी इसके रिजल्ट मिल जाए। आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत।